अभी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का गम भारत के लोग नहीं भूल पाए थे। इतने में ही यूपी के संबल से एक हैवानियत की तस्वीर फिर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के जनपद संबल में सदर कोतवाली इलाके में सदर तहसील के एक मोहल्ले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 14 वर्षीय नाबालिग 3 दिन पहले घर के पास से एक दुकान में सौदा लेने गई थी, जहाँ से 50 वर्षीय निसार, जो पीड़िता का पड़ोसी भी है, वो उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। नाबालिग रोते हुए घर आई और उसने आपबीती अपनी मां को बताई। मां ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद नाबालिग को लेकर उसकी मां जिला अस्पताल पहुंची और उसने पुलिस व तहसील प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी। इसके बाद प्रशासन ने उक्त घटना की FIR दर्ज करवाकर मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस लगातार आरोपी के घर दबिश दे रही थी, परंतु पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। फिलहाल आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी 50 वर्षीय निसार को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्यवाही करते हुए उसे मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया है।